हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिनिकोलॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम जाने वाले हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर को मदर इंडिया टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और गाइस, इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यह मंदिर धार्मिक आस्था और राष्ट्र प्रेम की जुगलबंदी की एक अनूठी मिसाल है। अर्थात यहाँ पर धार्मिक आस्था से रिलेटेड कुछ ईश्वर की प्रतिमाएं और राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं और संत महापुरुषों की प्रतिमाएं एक साथ देखी जा सकती है। गाइस, इस टेंपल के दर्शन हम आज अच्छे से करने वाले हैं और इस टेंपल की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को हम अपनी उस लोकेशन पर पहुँच कर ही जानेंगे। तो चले गाइस, जल्दी से अभी हम अपनी उस लोकेशन पर पहुँचते हैं। गाइस, ये रोड है NH 334। और हम यहाँ से अभी क्रॉस करेंगे और यहीं से अभी हम जाने वाले हैं भारत माता मंदिर पर। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं, आपको यहीं से रोड क्रॉस करनी होगी। ये यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है भारत माता मंदिर। गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाइज, यह ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक 8 मंजिला है और इसकी प्रत्येक मंजिल अपने आप में एक अलग ही विशेषता रखती है। चलिए मैं आपको इसको अभी अच्छे से दिखा देता हूं और इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान की प्रतिमाओं के साथ साथ शहीदों, देशभक्तों और संतों महापुरुषों की एक साथ पूजा की जाती है। गाइस, आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक इसमें 8 मंजिल है और इसकी ऊंचाई लगभग 180 फुट है। मैं आपको प्रत्येक मंजिल की सभी प्रतिमाओं के दर्शन अच्छे से कराने वाला हूँ। चलिए जल्दी से अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है शू स्टॉल और यहाँ पर अभी हम अपने शू को रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपया पर पेयर शूज का यहाँ पर चार्ज है। चलिए अभी आगे चलते हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद जी का 2019 में स्वर्गवास होने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी स्वामी अवधेशानंद गिरी इस मंदिर का प्रभार संभालते हैं और उन्हीं की देखरेख में मंदिर और ट्रस्ट के आश्रमों का संचालन होता है। इस मंदिर के निर्माणाधीन नींव स्वामी सत्यमित्रानंद ने 17 नवंबर 1979 को रखी थी और इसका उद्घाटन 15 मई 1983 ईस्वी को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था। तो गाइस, यहां से होती है हमारी एंट्री और यहां पर आप देख सकते हैं ये सामने बोर्ड रखा हुआ, इस पे मेंशन किया गया है लेफ्ट साइड से हम सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं और राइट साइड से हम यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा जा सकते हैं। और यहाँ पर ये विंडो देख रहे हैं, यहाँ से हमें टिकट लेना होगा लिफ्ट के लिए और यहाँ पर एक टिकट 2 रुपए का है।
तो अभी हम यहाँ से टिकट लेकर के लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है भारत माता की प्रतिमा। और गाइस अभी हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हैं अभी हम, और यहाँ पर ये सबसे पहला टेंपल है शिव टेंपल। यहाँ पर सभी प्रतिमाएं देख सकते हैं आप, शिव की प्रतिमाएं हैं। अभी हम जल्दी से चलिए नीचे चलते हैं। यह है खंडचय विष्णु मंदिर, आप यहां पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रतिमा के नीचे नाम को मेंशन किया हुआ है। गाइस मैं इन सभी प्रतिमाओं के दर्शन आपको जल्दी से करा देता हूं, आप इन सभी खंड और प्रतिमाओं के नाम आसानी से पढ़ सकते हैं। यह है खंड 4 प्रादेशिक चित्रावली। यहाँ पर प्रत्येक स्टेट की स्पेशल पेंटिंग शो की गई है।
आई होप गाइज आपको यह वीडियो पसंद आया। गाइज यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।